हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में आप लोग देखे थे सेट नंबर वन का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ और सिर्फ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 34, शायद 6 क्वेश्चन है ना जी, 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर है। दो दो नंबर के ये क्वेश्चन है, आपको 14 नंबर देकर के जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग सेट वन के फिजिक्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को करते हैं। मन लगा करके एकदम सब कुछ, नजर कान वान सब फ्रेश होकर के बैठिएगा और इंजॉय कीजिएगा हमारे साथ, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, गिव इट्स यूनिट। आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करना है और इसका यूनिट लिखना है, ठीक है ना। हिंदी में विद्युत विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दें और इसका मात्रक लिखें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आपके लिए, आपका क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपके लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल सबसे पहले हम लोग किसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट नेचर। तो क्या कह रहा है, व्हेन टू चार्ज, कितने चार्ज, जब दो चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए इनका, इक्वल होना चाहिए, अपोजिट नेचर के होने चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड भले इक्वल हो जाए, नेचर क्या हो, अपोजिट हो, आर प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस। कौन से डिस्टेंस पर रखे गए हैं, स्मॉल डिस्टेंस पर अगर रखे गए हैं, स्मॉल डिस्टेंस पर रखे गए हैं, देन द सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो सिस्टम बना है, सिस्टम जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ, क्या है ये, प्रोडक्ट है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनका प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ कोई भी एक चार्ज और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं। ये देखिए हमारे पास दो चार्ज है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू है, ए पर रखा है, बी पर रखा है। फॉर कन्वीनियंस हमने दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L ले लिया है, एल और एल, दिस इज सेंटर ऑफ डाइपोल कह सकते हैं आप लोग, सेंटर ऑफ डाइपोल, डाइपोल का ये सेंटर है, सेंटर ऑफ डाइपोल कह सकते हैं। तो P बराबर होगा 2 इंटू QL, P इज इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू QL, सॉरी Q इंटू 2L, L वेक्टर क्वांटिटी है, तो 2 इंटू QL, बिकॉज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए माइनस चार्ज से लेकर के किधर होगा, प्लस चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। इसका यूनिट क्या होगा बाबू, देख लीजिए, ये कूलॉम और लेंथ किस में, मीटर में, तो कूलॉम मीटर होता है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है ना, अपने मॉडल पेपर का फिजिक्स का फर्स्ट सेट का क्वेश्चन नंबर 23 है ये। 28 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, और 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उन कारकों को लिखिए जिन पर कुंडलियों के किसी युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व निर्भर करता है, ठीक है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर दो क्वाइल्स के म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करता है, राइट टू फैक्टर्स ऑन व्हिच द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ क्वाइल्स डिपेंड्स। क्वाइल के पेयर के म्यूचुअल इंडक्टेंस किन चीजों पर डिपेंड करता है उसको आप लोग को लिखना है, ठीक है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस किन बातों पर डिपेंड कर रहा है उनके बारे में हम लोग को लिखना है। चलिए देखिएगा क्या होगा। सबसे पहला डिपेंडेंसी जो है नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सेकेंडरी क्वाइल। सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझिए क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब एक क्वाइल में करंट के कारण दूसरे क्वाइल में करंट का इंडक्शन, क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। देखिए हमने एक सोर्स लगा दिया है यहाँ पे करंट का, जिसके कारण यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करने के कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे क्रॉस कर रहा होगा। जैसे जैसे हम लोग करंट यहाँ से वैरी करेंगे या स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते समय इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ होगा, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के कारण इसमें एक ईएमएफ का क्या होता है, इंडक्शन होता है। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन जो है भाई, इससे लिंक्ड फ्लक्स के बदलने पर डिपेंड कर रहा है। अगर इससे लिंक्ड फ्लक्स के बदलने पर डिपेंड कर रहा है तो एक टर्न में कितना फ्लक्स है, जैसे जैसे हम टर्न बढ़ाते जाएंगे टोटल फ्लक्स चेंज होगा, और अगर टोटल फ्लक्स चेंज होगा तो बताइए म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो उस पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल, फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसमें
डिफरेंसेस आएंगे। तो सबसे पहले सेकेंडरी क्वाइल, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी क्वाइल में कितने टर्न्स हैं उस पर, और दूसरा चीज प्राइमरी क्वाइल में आप करंट कितना स्ट्रांग रखें, प्राइमरी क्वाइल में करंट कितना स्ट्रांग रखें उस बात पर भी डिपेंड करता है। अगर लोअर करंट है तो कुछ और होगा और अपर करंट है तो कुछ और होगा। वैसे अगर आपको पता होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है इनका, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है N2 ∅2 / I1 होता है। N2 ∅2 / कितना होता है, I1 होता है। तो देख लीजिए आप, N2 पर डिपेंड किया, ∅2 भाई फ्लक्स लिंक्ड है तो N2 बढ़ेगा, तो पर क्वाइल से, ठीक है ना, एक एक लूप से, पर लूप से जो फ्लक्स लिंक्ड है वो ∅2 होता है। तो टोटल फ्लक्स N2 ∅2, टोटल फ्लक्स पर डिपेंड किया और किस पर डिपेंड किया, करंट पर डिपेंड किया। तो नंबर ऑफ टर्न्स भी आप लोग कह सकते हैं। और सेकेंड चीज, कितना EMF का इंडक्शन होता है, तो आपको पता है EM इज इक्वल टू इंड्यूस EMF इज इक्वल टू निगेटिव, फैराडे लॉ याद कीजिए, -D - M DI1 by DT, इतना EMF का क्या होता है, इंडक्शन होता है, और ये उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आप देख सकते हैं N2 पर डिपेंड करता है, I1 पर डिपेंड करता है। N2 मतलब आप कह सकते हो इसके जगह पर, नंबर ऑफ टर्न्स के जगह पर फर्स्ट में आप ये भी कह सकते हो कि फ्लक्स पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, फ्लक्स पर डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के एक ही डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य मिला है, स्पष्ट करें किसमें अधिक कुल ऊर्जा होगी। अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव गॉट सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम दिया गया है, आपको पता लगाना है कि किसके पास ज्यादा ऊर्जा है। तो देखिए लैम्डा ई और लैम्डा पी मान लेते हैं दोनों बराबर की वेन है, हम लैम्डा मान लिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू डी ब्रॉगली के हिसाब से एच बाई पी होता है, एच बाई कितना होगा, एम भी होगा, एच बाई कितना, एम भी। अब आ जाइए mv इज इक्वल टू, हम लोग पी बराबर mv होता है इसलिए mv इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच बाई लैमडा, हमने लिख दिया एच बाई लैमडा। अब बताइए किसी का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी अगर हाफ mv स्क्वायर है, हम अगर ऊपर में mv स्क्वायर है, हम ऊपर 1 m से मल्टीप्लाई करें तो नीचे भी 1 m से मल्टीप्लाई करना होगा, और ऊपर अगर 1 m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर v स्क्वायर, जिसको हम mv का होल स्क्वायर कह सकते हैं, बाई 2 m। तो कितना काइनेटिक एनर्जी निकलेगा बताइए, एम भी बराबर क्या होता है, एच बाई लैमडा, तो एम भी का स्क्वायर है तो एच स्क्वायर बाई लैमडा स्क्वायर, ये देखिए एच स्क्वायर बाई लैमडा स्क्वायर, और नीचे में क्या था 2 m, ये किसी भी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी होगा। अब बताइए इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बटे प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी, तो सेम भाई मास किसका जाएगा यहाँ पे लास्ट में, इलेक्ट्रॉन का मास me और यहाँ पे प्रोटॉन का मास, एच स्क्वायर कैंसिल होगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, mp जाएगा ऊपर में और me आएगा नीचे में। आप लोगों को पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज 1.6 × 10⁻²⁷ एंड मास ऑफ किलोग्राम ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 × 10⁻³⁹ किलोग्राम होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा होता है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से, तो ये फ्रैक्शन जो है 1 से क्या हो जाता है, बड़ा, और अगर 1 से बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है, ईपी को राइट साइड में लेके आइए, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ग्रेटर देन क्या होगा, प्रोटॉन के एनर्जी से। तो याद रखिएगा ये चीज। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि द्रव्यमान क्षति और नाभिकीय बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। भाई द्रव्यमान क्षति क्या है और नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या है, डिफाइन मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट क्या होता है और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, डिफाइन कीजिए। तो हमने डिफाइन कर रखा है सर, व्हाट इज मास डिफेक्ट, तो मास डिफेक्ट जो है एक्चुअली क्या है, डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सर सम ऑफ द मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है मास ऑफ न्यूक्लियस में कौन रहता है, न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। तो डिफरेंस किन किन का लेना है हम लोग को, डिफरेंस किसका किसका लेना है, सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मैंने मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से क्या घटाना है, मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मास घटाना है, किसका मास घटाना है, न्यूक्लियस का मास हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो अगर डेल्टा एन से आप लोग मास डिफेक्ट को दिखा रहे हैं तो बताइए किसी भी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, सर उस न्यूक्लियस का जितना एटॉमिक नंबर होता है, तो जेड क्या आपको दिखाता है, एटॉमिक नंबर, जेड क्या है हम लोग का, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो भाई जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन का मास अगर mp है तो z प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, z into mp। यहाँ पे a क्या है सर, मास नंबर, m क्या है, मास नंबर, मास नंबर क्या बताता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का संख्या, मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, तो अगर हम मास नंबर में से माने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में से प्रोटॉन घटा दें, जेड माने प्रोटॉन, जेड माने प्रोटॉन, तो अगर प्रोटॉन घटा दें तो सिर्फ न्यूट्रॉन बच जाएगा, तो न्यूट्रॉन का संख्या गुने न्यूट्रॉन का मास,
ये पहले जोड़ लेंगे हम लोग, इनका ऐड करेंगे, यही देखिए सम आ गया, ये वाला पार्ट सम ऑफ मासेस ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, जिसमें से ये क्या है मास ऑफ न्यूक्लियस, ये क्या है मास ऑफ न्यूक्लियस, ये है मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है। चलिए आ जाइए बाइंडिंग एनर्जी किसको कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी जो होता है हम लोगों का, बाइंडिंग एनर्जी द एनर्जी रिलीज्ड, जो एनर्जी रिलीज होता है कब, व्हेन, कब द न्यूक्लियस कम टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियॉन्स, जब न्यूक्लियॉन्स जो है एक साथ आते हैं क्या बनाने के लिए, न्यूक्लियस बनाने के लिए, तो ये जो है न्यूक्लियॉन्स कम टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियॉन्स जो है एक साथ आकर के न्यूक्लियस का फॉर्म करते हैं तो उस समय कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना, उस समय कुछ एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी, और उस एनर्जी के रिलीज होने से क्या घटनाएं होती हैं, उस एनर्जी के रिलीज होने से क्या होता है कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो किधर जाता है, मोर स्टेबल, दैट मींस लोअर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, किस एनर्जी स्टेट में चला जाता है, लोअर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, कह रहा है कि व्हाट इज रेक्टिफायर, व्हाट ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क, एक दिष्टकारी क्या है और ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो चलिए देखिए दिष्टकारी क्या है, तो रेक्टिफायर जो है इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सबसे पहला तो ये कैसा डिवाइस है सर, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करेंट टू डायरेक्ट करेंट, ऑल्टरनेटिंग करेंट को किस में बदलता है, रेक्टिफायर डीसी को, एसी को किस में बदलता है, डीसी को, अगर हम कहें कि ये हमारे पास रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर है और अगर आप इसको एसी इनपुट देते हो तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, डीसी, आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, डीसी, ठीक है ना, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है कैसे, बाई एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट करता है किसको, निगेटिव हाफ साइकिल को, निगेटिव हाफ साइकिल को ये क्या कर देता है, एलिमिनेट करता है, निगेटिव हाफ साइकिल को क्या करता है, एलिमिनेट करता है किसके, निगेटिव हाफ साइकिल के, ऑफ एसी वोल्टेज, ऑफ एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज के निगेटिव हाफ साइकिल को एलिमिनेट करता है, ठीक है ना, और एलिमिनेट करने के बाद क्या बना देता है, एसी को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसी को किस में कन्वर्ट करता है सर, डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में, किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है, तो अ पीएन जंक्शन डायोड अलाउ करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, पीएन जंक्शन डायोड जो होता है आप लोगों को पता होगा कि सर ये डायोड का सिंबल होता है हम लोग का, पीएन जंक्शन डायोड जो है ये इधर पी होता है, इधर एन होता है, अगर इधर प्लस और इधर माइनस देते हैं जिसको फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग आप लोग कहते हैं, तो सिर्फ फॉरवर्ड बायसिंग में ही पीएन जंक्शन डायोड जो होता है करंट अलाउ करता है, रिवर्स बायसिंग में हमारा आइडियल पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, इसी प्रिंसिपल पर हम लोग क्या बनाते हैं, रेक्टिफायर बनाते हैं, रेक्टिफायर कितने तरीके के होते हैं, दो तरह के, हाफ वेव रेक्टिफायर जो कि आपको डिटेल में पढ़ना है यहां पे, उसकी बात हम लोगों को नहीं करनी है, और फुल वेव रेक्टिफायर FWR। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 हम लोगों का क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि नैंड गेट तथा नॉर गेट के संकेत तथा सत्यता सारणी लिखिए, चलिए नैंड गेट का हमने लिख दिया है, नॉर गेट अभी हम लोग साथ में कर लेंगे, चलिए देख लेते हैं नैंड गेट क्या है, तो सर एंड में नॉट लगाने पर क्या बनता है, नैंड गेट बनता है, ये सिंबल हुआ, ए और बी अगर दाब देते हैं तो जो आउटपुट होता है वो ए बी बार मिलता है हम लोगों को, क्या मिलता है, ए बी बार मिलता है, वैसे ये यूनिवर्सल गेट भी है, नैंड गेट याद कीजिएगा, जो दूसरा दिया है हम लोग का नॉर गेट जो दिया है वो भी कैसा है, यूनिवर्सल गेट ही है, इनपुट एक तरफ देखिए यही संकेत सारणी आपको बनाना है जिसको ट्रुथ टेबल कहते हैं हम लोग, कौन सा टेबल कहते हैं, ट्रुथ टेबल कहते हैं, तो ये इनपुट हो गए ए और बी, यहां देखिए इस जगह पे इनपुट डाला हुआ है, ठीक है, और यहां पे आउटपुट हम लोग को मिल जाएगा इस जगह से, अगर 0 0 इनपुट देते हैं तो आउटपुट 1 देता है, 0 1 कोई भी अगर एक इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या मिलता है 1, और अगर दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या मिलता है 0। चलिए इसी जगह पे हम लोग देखते हैं नॉर गेट, कौन सा गेट, नॉर गेट NOR, तो नॉर गेट का सिंबल भी सिर्फ इस जगह पे हल्का सा चेंज है, ये इस तरीके से हो जाता है, दिस इज आवर नॉर गेट, और यहां पे क्या होता है A प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार, वैसे ये भी हमारा कैसा गेट है, यूनिवर्सल गेट है, ये भी कैसा गेट है, यूनिवर्सल गेट, तो यहां पे क्या हो जाएगा सर, ए प्लस बी का बार, देखिए 0 0 इनपुट देंगे नॉर गेट में तो 0 0 और में क्या होता है 1 होता है, और में क्या होता है 0 होता है, तो नॉर में क्या होगा 1, 0 और 1 और में क्या होता है 1, तो नॉर में क्या होगा 0, 1 और 0 और में क्या होता है 1, तो नॉर में क्या होगा 0, 1 1 वहां क्या होता है 1, यहां क्या होगा 0 होगा, यहां पे भी क्या होगा 0, तो अगर कोई भी एक इनपुट हाई हो गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा लो, आउटपुट क्या हो जाएगा लो, तो ये इसका ट्रुथ टेबल था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 की तरफ, कह रहा है कि राइट द फंक्शन ऑफ,
ठीक है ना, संचार के संदर्भ में ट्रांसड्यूसर को बताइए, ट्रांसड्यूसर क्या, और पुनरावर्तक का कार्य लिखिए, पुनरावर्तक क्या काम करता है, दैट मीन्स रिपीटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन किसको कहेंगे भाई आप लोग, कम्युनिकेशन सेंडर मैसेज सेंड करे, रिसीवर रिसीव करे, बीच में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, चैनल होता है, एंटीना होता है, सेंडिंग एंटीना होता है, रिसीविंग एंटीना होता है, बहुत सारा काम होता है, बीच में नॉइज वगैरह भी मिल जाता है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन इसी तरीके से होता है। तो कम्युनिकेशन के संदर्भ में दो चीज, ट्रांसड्यूसर, अब हम यहां से वॉइस सिग्नल बोल रहे हैं, अब ये जो वॉइस सिग्नल बोल रहे हैं ये वॉइस मोबाइल के द्वारा कैच किया जा रहा है, इस मोबाइल में एक माइक्रोफोन लगा हुआ है और माइक्रोफोन उसको कैच कर रहा है और कैच करने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना करके इंटरनेट पर यह डेटा अपलोडेड है, और जब आप लोग सुन रहे हैं तो वही डेटा हेडफोन के द्वारा या स्पीकर के द्वारा किसमें बदल दिया जा रहा है, फिर से वॉइस सिग्नल में बदल दिया जा रहा है। बस यही तो है ट्रांसड्यूसर, जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में बदल देता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर कहते हैं। इट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरे फॉर्म से बदलता है, कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म क्या कहलाता है, ट्रांसड्यूसर कहलाता है। इसके बेस्ट एग्जांपल आपके पास लिखे हुए हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं, माइक्रोफोन साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और स्पीकर जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल को किसमें बदल देता है, स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बदल देता है, साउंड एनर्जी में बदल देता है। उसके बाद लाइट बल्ब हमारे पास हो गया जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदल रहा है, एलईडी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदल रहा है, एंटीना जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चेंज करने का काम करता है एंटीना। तो ये सब हमारे ट्रांसड्यूसर हैं जो कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होते हैं, यूज होते हैं। नाउ कम टू रिपीटर, रिपीटर क्या होते हैं, परावर्तक भी इनको बोलते हैं ना, पुनरावर्तक कहते थे। एटेनुएट क्या करा कि एज सिग्नल प्रोपगेट थ्रू स्पेस इट गेट्स एटेनुएटेड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड बिकम्स वीक, बहुत सारे एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉइज कह सकते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉइज एंड बिकम वीक, नॉइज एब्जॉर्ब करके क्या हो जाता है, ये कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, खराब हो जाता है, अब उसको रिसीव करने के बाद बहुत अच्छे से काम में नहीं आएगा या फिर उसको बढ़िया से हम जी मॉड्यूलेट करके यूज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग रिपीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, रिपीटर लगा देते हैं, रिपीटर आर यूज टू बूस्ट नॉइज एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, या मान लीजिए कि अगर नॉइज एब्जॉर्प्शन नहीं लिखना चाहते हैं, जैसे यहां पर देखिएगा एक बीच में एक पहाड़ है, ठीक है, एक एंटीना यहां पे था, यहां से सिग्नल निकल रहा है, यहां एक आदमी है, एक बंदा है, इस जगह पे एक बंदा खड़ा है मोबाइल लेकर के, अपना मोबाइल में यहाँ से सिग्नल भेजा है, और एक बंदा यहाँ पर है और ये भी अपने हाथ में अपना मोबाइल लेकर के ये इसको भेजना चाहता है, बीच में क्या आ गया, ऑब्स्टिकल आ गया। तो अब क्या करेगा ये, यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, एक टावर लगाएंगे, यहाँ पे एक टावर लगा देते हैं, यहाँ से सिग्नल यहाँ जाता है और यहाँ से सिग्नल यहाँ आता है, यही काम है रिपीटर का, यही काम क्या होता है, रिपीटर का, बहुत जगह टावर्स जो हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना। एंड बिकम्स वीक, रिपीटर आर यूज टू बूस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल एंड दस इंक्रीज द मैक्सिमम अटेनेबल रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, क्या होता है रिपीटर जो होते हैं हमारे सिग्नल को बूस्ट करते हैं, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, ठीक है, एंड इंक्रीज मैक्सिमम अटेनेबल रेंज तक बढ़ाते हैं, किसके लिए, ऑफ कम्युनिकेशन, किसका, कम्युनिकेशन का। चलिए, डिजिटल सिग्नल निक मोर फ्रिक्वेंट रिपीटिंग बिकॉज इट डिसिपेट क्विकली देन एनालॉग, दो तरह के जो सिग्नल हमारे पास थे, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, तो डिजिटल सिग्नल क्विकली डिसिपेट हो जाता है, इसलिए डिजिटल सिग्नल को जल्दी जल्दी हमको क्या करना पड़ता है, उनको रिपीट करना पड़ता है, रिपीटिंग जल्दी जल्दी उसके लिए रिपीटर्स रिक्वायर होते हैं। एनालॉग सिग्नल जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑल इंडिया रेडियो एनालॉग कम्युनिकेशन से आप लोग से बात करते हैं, ठीक है ना, और अलग अलग तरह के मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें रेडियो जो है ऑल इंडिया रेडियो, वो किस कम्युनिकेशन पर काम करते हैं, एनालॉग कम्युनिकेशन, वहां से प्राइम मिनिस्टर का जो वॉइस होता है वो कौन सा सिग्नल होता है, एनालॉग सिग्नल, और एनालॉग सिग्नल जल्दी खराब नहीं होता, जल्दी डिसिपेट नहीं होता, उसका रेंज दूर होता है, इसलिए उसको कम रिपीटर की आवश्यकता होती है, जबकि जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, डिजिटल सिग्नल जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, डिसिपेट हो जाते हैं, इसलिए उनको ज्यादा रिपीटर की आवश्यकता है, ठीक है। तो यही थे हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे, ठीक है ना, अगले क्लास में हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, ठीक है।